मित्रों, आप लोग जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐसे जनता के हृदय के महानायक, मेरी भारत माता के लाडले लाल मित्रों, आप सबके बीच में आ चुके हैं। मित्रों, मैं समझ सकता हूं कि ज्यादा समय उनके और आपके बीच में हम नहीं रह सकते। मैं अभी मंच पर अपने पांचों जिलाध्यक्षों को निवेदन करता हूं, वो आए बड़ी माला से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और साथ में विधायक जी और प्रत्याशी गण भी उपस्थित रहें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कौन आए, कौन आए, अरे कौन आए, कौन आए। मोदी है तो, अरे मोदी है तो, अरे मोदी है तो। मेरे मित्रों, अभी हमने बुंदेलखंड की धरती से उनका स्वागत किया। मित्रों, अब मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना स्वागत भाषण प्रदान करें। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में आए हैं और संभवतः ये बांदा की धरती पर पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में आजादी के बाद कोई भी व्यक्तित्व हमारे सामने है। ये बुंदेलखंड की वीर भूमि में जहां तमाम सुविधाएं यहां पर प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिली है, आज पानी की लाइन के लिए, आज पीने के पानी के लिए 9000 करोड़ रुपए की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में मिला है, डिफेंस कॉरिडोर जो मिला है, जो बुंदेलखंड विकास परिषद मिला है, जो यहां पर विभिन्न प्रकार से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मिला है, मैं समझता हूं कि बुंदेलखंड की स्थिति को बदलने में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ माननीय प्रधानमंत्री का जो आशीर्वाद रहा है, वो आज यहां की बुंदेलखंड की ये धरती पर इतने लोग यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में पानीदार यहां का पानी, आग यहां के पानी में। तो आप सब लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो यहां पर उनका उद्बोधन है, हम सबको प्राप्त हो। इसलिए मैं कहूंगा कि उनके आने से पहले एक बार जोर से बोलिए, हमारा पीएम, मैं माननीय मोदी जी को आमंत्रित करता हूं, आए। मोदी, मोदी, मोदी। भारत माता की, भारत माता की। आप सब इनका हाथ जोड़ के राम राम। ऋषि वामदेव की नगरी, प्रभु श्री राम जी की तपोभूमि चित्रकूट और प्रभु कामतानाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। बांदा सहित पूरे बुंदेलखंड ने 2014 में
इतिहास बनाया था। इस बार भी वही जोश, वही जज्बा, मैं देख करके हैरान हूं जी। ये आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, मैं सर झुका करके आप सबका नमन करता हूं। जो दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बुआ और बबुआ की तस्वीर दिखा करके हिंदुस्तान को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए पता नहीं है कि जनता की असली ताकत क्या होती है। लेकिन साथियों, 300 सीटों पर वोट पड़ने के बाद जो खबरें आ रही है उससे कुछ लोगों के चेहरे लटक गए हैं। अब इन्होंने फिर से ईवीएम का राग छेड़ दिया है। चुनाव आधा पूरा हुआ है, आधे चुनाव तक वो पूरा समय मोदी को गाली देते रहे, लेकिन बात बनी नहीं। तब उन्होंने अपना गाली देने वाला जो तरीका है वो मोदी से हटा करके ईवीएम पर ले गए हैं। अब आधा चुनाव ईवीएम को गाली देने में निकाल देंगे। आखिर मैं इनके हाथ में क्या लगेगा भैया, इतनी गालियां, इतने आरोप, इतनी झूठी बातें, अब ईवीएम को भी नहीं छोड़ रहे, इनके हाथ क्या लगेगा? इनके हाथ लगेगा 0/0। भाइयों और बहनों, सपा और बसपा वाले मेरी जाति का सर्टिफिकेट बांटने में जुटे हैं और कांग्रेस के नामदार मोदी के बहाने पूरे पिछड़े समाज को ही गाली देने में लगे हैं। इनकी राजनीति का यही सार है। ये जात पात पंथ संप्रदाय उससे आगे सोच ही नहीं सकते। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात इनके पल्ले नहीं पड़ती है, और अगर ये यही करते रहेंगे तो उनकी दुकानों को अलीगढ़ का ताला लगना पक्का है। लेकिन भाइयों और बहनों, जमीन से पूरी तरह कट चुके लोग इस बार अपने ही खेल में फंस गए हैं। इनको पता ही नहीं चला कि 21वीं सदी का वोटर, 21वीं सदी का मतदाता, ये नौजवान जिसके जिंदगी के सपने सारे अधूरे हैं, जो ख्वाब लेके चला है, ख्वाहिश लेके बड़ा है और खपने के लिए तैयार है,
21वीं सदी में जो पैदा हुआ, पूरी 21वीं सदी उसके सामने पड़ी है। वो क्या चाहता है ये न नेताओं को समझ आ रहा है, न पॉलिटिकल पंडितों को समझ आ रहा है। भाइयों बहनों, ये जाति के समीकरण बिठाते रहे और हमारे युवा बेटा बेटी विकास की राजनीति के साथ आज खड़े हो गए हैं। मैं मेरे सामने देख रहा हूं 80% नौजवान है, 80%। और मुझे बताया गया, मैंने कहीं रिपोर्ट में भी पढ़ा, मुझे पढ़कर के खुशी हुई, मुझे बताया गया कि आम तौर पर जो सरकारी मशीनरी होती है वो चुनाव में ये करो ये ना करो, दिखना करो फलाना ना करो, इसी में लगी रहती है। मुझे बताया गया कि हां, जिले के जो चुनाव के अधिकारी हैं वे 100% वोटिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहूंगा कि जो बात मैंने सुनी अगर वो सही है तो इलेक्शन कमीशन ने ये किस प्रकार से जन जागृति कर रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, राजनीति से परे होकर के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसे मेहनत करने वाले अफसरों की तरफ देखना चाहिए। और उसमें से पूरे देश में इस चुनाव नहीं तो आगे वाले चुनाव में ये क्या तरीका अपनाते हैं, कैसे लोगों को मोबिलाइज किया, ये सारी बातें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। मैं बधाई देता हूं जो मैंने सुना है वो अगर सही है तो, क्योंकि मुझे इस लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे नौजवान नए भारत के नए संस्कारों का निर्माण कर रहा है। इसकी वजह है कि उस पर अतीत का बोझ नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ भविष्य के सपने हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, हमारे मैं ये सबसे बात करना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनोगे, ये जो मैं बात कर रहा हूं वो दल की नहीं कर रहा हूं, देश की कर रहा हूं। आपको मंजूर है? आप सब हाथ उपार करके बताएं तो बताऊं मैं, वरना कभी कभी क्या होता है कि लगता है जरा चुनाव का इधर उधर कर दे तो मजा आता है। लेकिन मैं कुछ मूलभूत बात बताने का मेरा आज आपके बीच आया हूं, बुंदेलखंड की इस धरती पे आया हूं, तो मेरा मन करता है जिस धरती पे रानी झांसी को हमेशा याद किया जाता है, उस धरती पर दल से उठ पड़ के देश की बात होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मन करता है मैं आपसे देश की बात करूं। साथियों, आप मुझे बताइए, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के बलिदानी भगत सिंह, क्या किसी को मालूम है किस जाति के थे? सुखदेव किस जाति के थे? राजगुरु कौन जाति के थे? चंद्रशेखर आजाद कौन जाति के थे? रानी लक्ष्मीबाई कौन जाति की थी? नेताजी सुभाष बोस कौन जाति थे? भाइयों बहनों, एक भी महापुरुष अपनी जाति से नहीं जाना जाता है। आप मुझे बताइए, ये दांडी यात्रा 1930 में हिंदुस्तान की आजादी का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। क्या कभी किसी ने हिसाब लगाया
कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ चलने वालों में इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे, क्या कभी किसी ने सुना है क्या? सुना है क्या? हर कोई भारतवासी था, था कि नहीं था? अंडमान निकोबार में काला पानी सजा काटने के लिए हमारे छोटी छोटी काल कोठरियों में देश के भारत मां के वीर सपूतों को बंद कर दिया था अंग्रेजों ने। क्या कभी किसी ने सोचा कि काला पानी की सजा भुगत करके मां आजादी की जंजीरों को तोड़ने की तपस्या करने वाले उन वीरों में कौन किस जाति में पैदा हुआ था? क्या कभी किसी ने चर्चा की? भाइयों बहनों, आजादी के आंदोलन में कौन जाति थी, कौन जाति नहीं थी, किस जाति के नेता के साथ कौन था, ये न कभी किसी ने चर्चा की, ना ही किसी को पता था। सभी ने एक ही बात कही, भारतीय होकर, एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और भारत को सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्त किया। किया कि नहीं किया? आजाद हुआ कि नहीं हुआ? सबने अपने आप को भारतीय कहा कि नहीं कहा? हर एक के दिल में मां भारती थी कि नहीं थी? भाइयों बहनों, उस दौर में सब आजादी के दीवाने थे, सब स्वराज के लिए लड़ रहे थे। अब आज भी आजादी के 70 साल के बाद, और जब हम आजादी के 75 साल मनाने वाले हैं, ये चुनाव आजादी के 75 साल के पहले का आखिरी चुनाव है। आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, तब एक और पड़ाव पर हम आए हैं। जितनी उत्कंठा, जितनी बेचैनी, जितनी छटपटाहट आजादी पाने के लिए थी, आज वही मिजाज विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। जाति के बंधनों को तोड़कर देश ने एक बार फिर स्वराज जैसे हासिल किया था, वैसे फिर जाति बंधनों को तोड़कर सुराज्य हासिल करेगा। आजादी ने स्वराज्य दिया, ये जागरूकता सुराज्य देने वाली है। लेकिन भाइयों और बहनों, नए भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में आपको ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से सतर्क रहना है जो वापस देश को पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं। याद रखिए, आजादी के इतने वर्षों बाद जाति बिरादरी के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन प्यार क्या हुआ? सत्ता में आते ही बदले की कार्रवाई शुरू हो जाती थी। राजनीति की इस मॉडल ने सिर्फ व्यक्ति व्यक्ति में ही भेद नहीं किया, क्षेत्रों के आधार पर भी भेदभाव किया। बुंदेलखंड के इस पूरे क्षेत्र को अभाव में रखने का पाप भी इसी सोच के कारण हुआ है। साथियों, 2014 में आपने भेदभाव की इस व्यवस्था को तोड़ा और इस चौकीदार के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाई। तभी सबका साथ सबका विकास संभव हो पा रहा है। भाइयों और बहनों, आज जो गांव गांव सड़कें बन रही है, वहां हर जाति हर पंथ का साथी जाता है। गांव गांव घर बिजली पहुंच रही है
वो हर जाति पंथ के लोगों को मिल रही है। गैस का सिलेंडर हर जाति हर पंथ के गरीब परिवार को मिल रहा है। अपना पक्का घर हर जाति हर पंथ के गरीब परिवार को दिया जा रहा है। हर वर्ष 5 लाख रुपए इलाज के लिए हर जाति पंथ के गरीब परिवार को तय है। साथियों, आपने वो दिन भी देखे हैं जब जमीन कब्जा गिरोह खुले आम घूमा करते थे। हर खाली प्लॉट पर इनकी नजर रहती थी। गरीब कमजोर की जमीन को ये जबरदस्ती छीन लेते थे, चाहे गुंडे हो चाहे भूमाफिया हो। योगी जी की सरकार इनसे पूरी सख्ती से निपट रही है। आपका ये चौकीदार, हमारी सरकार हमेशा आपकी दिक्कतों को पूरी संवेदनशीलता के साथ दूर करने का प्रयास कर रही है। भाई और बहनों, यहां की मेरी बहनों का पानी के लिए संघर्ष, आप सभी की पीड़ा को मैं महसूस करता हूं। मैं खुद इस तरह के अनुभवों के साथ जिया हूं। मैंने बड़ी नजदीकी से इस दर्द को देखा है। उस चुनौती को भी आपके इस चौकीदार ने स्वीकार किया है। जिस तरह बहनों को धुएं से मुक्ति दी, शौचालय से अपमान और पीड़ा से मुक्ति दी, उसी तरह अब बारी पानी की है। साथियों, 1 महीने के बाद 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा। चुनाव के परिणाम आएंगे शाम तक। साथियों, 23 मई को जब फिर एक बार आप मोदी सरकार बनाएंगे, तब पानी के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। बीते 5 वर्ष गांव-गांव बिजली पहुंचाने के लिए थे, आने वाले 5 वर्ष पानी पहुंचाने के लिए जी जान से जुटेंगे। हमने संकल्प लिया है कि पानी के लिए अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। नदियां हो, समंदर हो, वर्षा का पानी हो, जितना भी संसाधन है, सब जगह से तकनीक का उपयोग करके जरूरतमंद क्षेत्रों में जल पहुंचाया जाएगा। भाई और बहनों, बुंदेलखंड में जो नदियां हैं उन्हें भी नई धारा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथियों, कुछ महीने पहले ही जब मैं झांसी आया था, तब 9,000 करोड़ रुपए की एक पेयजल का योजना का शिलान्यास भी किया था। जब ये पाइपलाइन परियोजना हो जाएगी, तब बुंदेलखंड के लगभग हर जिले को लाभ मिलेगा। साथियों, पानी आएगा तो खेतों की प्यास भी बुझेगी। ये दुर्भाग्य है कि पुरानी सरकारें सिर्फ स्वार्थ की राजनीति में जुटी रही, जबकि सिंचाई परियोजनाओं को लटकाती रही। आपको हैरानी होगी, सपा बसपा के सहयोग से चली कांग्रेस सरकार ने देश भर में सैकड़ों सिंचाई परियोजनाओं को लटका करके रखा था। दशकों से वो किसी ना किसी कारण लटकी थी। ऐसी लटकी भटकी 99 बड़ी परियोजनाओं को
पूरा करने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया और इनमें से अधिकतर पूरी होने की कगार पे है। यहां बाण सागर सिंचाई परियोजना भी दशकों से लटकी हुई थी। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसको शामिल किया और पिछले वर्ष ही इसको राष्ट्र को समर्पित किया। आज इलाहाबाद, मिर्जापुर सहित अनेक जिलों की करीब 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि तक बाण सागर नहर से पानी पहुंच रहा है। आप मुझे बताइए साथियों, जो आपकी दिक्कतों को नहीं समझते, जो पानी की सिंचाई की योजनाओं को लटकाते हैं, क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है? माफ किया जा सकता है? ऐसे लोगों को आप सजा देंगे? पक्का सजा देंगे? भाइयों और बहनों, जनहित के लिए बड़े काम तभी होते हैं जब समर्पण भाव से काम किया जाता है, जब सत्ता भोग के बजाय सेवा भाव से काम होता है, तब ऐसे काम आते हैं। यही कारण है कि आजादी के इतिहास में किसानों के लिए पहली बार सीधी मदद की स्कीम भी मोदी सरकार ने बनाई है। पीएम किसान सम्मान निधि, इसके तहत हर वर्ष देश के करीब 12 करोड़ छोटे से सीमांत किसानों को बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं। यूपी में 1 करोड़ से अधिक किसानों को पहली किस्त खाते में पहुंच चुकी है। जिनको अभी रुपये नहीं पहुंचे हैं, वो भी मोदी पे भरोसा करें, ये पैसे भी पहुंच जाएंगे। साथियों, ये पैसे आपकी सहायता के लिए हैं, ये पैसे आपके हैं, आपके हक के हैं, ये आपको कभी भी लौटाने नहीं पड़ेंगे। बल्कि 23 मई को भाजपा सरकार फिर आएगी, तब इस योजना को और विस्तार दिया जाएगा। यूपी के सभी किसानों को, चाहे जितनी भी जमीन हो, सबके खाते में सीधे पैसे जमा होंगे। पहले हमने 5 एकड़ तक का नियम बनाया था, फिर एक बार मोदी सरकार बनने के बाद 5 एकड़ का नियम भी हट जाएगा, सबको लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, जो छोटे किसान है, जो खेत में काम करने वाले कामगार है, जो छोटे दुकानदार है, उनके लिए भी पहली बार पेंशन की योजना हम बनाने वाले हैं। 60 साल के बाद उसको हर महीने पेंशन मिले, ताकि बुढ़ापे में उसको किसी पर अपना हाथ फहराने की नौबत न आए, ये हम करने वाले हैं। साथियों, बुंदेलखंड में खेती के साथ साथ औद्योगिक विकास हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण परियोजना से उस पूरे क्षेत्र का भाग्य ही बदलने वाला है। सिर्फ एक्सप्रेसवे ही नहीं, बल्कि अब बुंदेलखंड को देश की सुरक्षा और विकास का कॉरिडोर बनाने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। झांसी से आगरा तक बन रहा डिफेंस कॉरिडोर भारत में ही
सेना के अस्त्र शस्त्र बनाने के अभियान को मजबूत करेगा। साथ ही बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। साथियों, बुंदेलखंड ने मां भारती के गौरवगान की एक मजबूत परंपरा स्थापित की है। आज भी यहां के अनेक सपूत मां भारती की रक्षा में जुटे हुए हैं। आज मैं अभी हेलीकॉप्टर से आया, मुझे ऐसे ही एक वीर जवान को नमस्ते करने का मौका मिला, उनको प्रणाम करने का मौका मिला। वो कतार में खड़े थे, वो मेरा स्वागत करने आए थे। आपको पता है, जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था तो इसी धरती के उस संतान ने 6 गोलियां झेली थी भाई। ऐसी ये धरती है, हमारे सपूत आतंकियों को घर में घुसकर मार रहे हैं। मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? ठीक किया ना, मोदी सही कर रहा है ना? आप खुश है ना? सचमुच में खुश है? दिल से खुश है? मोदी सही कर रहा है ना? और ज्यादा करो। आप मुझे बताइए, आतंकवाद देश से खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आज अखबारों में चर्चा में कई लोग नए कपड़े सिला करके बैठे हैं, नए नए कपड़े ला करके बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया फैशन डिजाइनरों से कपड़े बनवाए हैं। जो 8 सीट लड़ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जो 20 सीट लड़ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। जो 40 सीट लड़ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जितने चेहरे प्रधानमंत्री के लिए दावा करने वालों के हैं, वो चेहरे आपको याद है? इनके नाम याद है? अच्छा, इसमें एक मेरा नाम भी है। सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली भाजपा मेरा नाम बता रही है, और कर्नाटक में 8 सीटें लड़ने वाले भी बता रहे हैं वो प्रधानमंत्री होंगे। इतने चेहरे हैं दोस्तों, अब सब कुछ आपके सामने है। आप ईमानदारी से बताइए, सही जवाब देना है, झूठा नहीं देना। सही जवाब देंगे? सही देंगे जवाब? मैं सबको पूछ रहा हूं, जो पीछे वाले हैं सही जवाब देंगे? देखिए, मोदी को खुश करने के लिए जवाब नहीं मत देना, ये मीडिया वालों को खुश करने के लिए जवाब मत देना। जो बोलेंगे सच बोलेंगे। पक्का? पक्का? आप मुझे बताइए, ये जितने चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री की कतार में खड़े हैं, कौन है जो आतंकवाद मिटा सकता है? सही बताइए, कौन कर सकता है? आपको पक्का भरोसा है? भाइयों बहनों, अकेला मोदी नहीं कर सकता है, आतंकवाद का खात्मा आपके एक वोट से होने वाला है। आपके वोट की ताकत मोदी से 130 करोड़ गुना ज्यादा है। मोदी की ताकत से 130 गुना ज्यादा करोड़
130 करोड़ गुना ज्यादा ताकत आपके वोट की है। आपका वोट और ये चौकीदार दोनों मिलकर के आतंकवाद का भाइयों बहनों आतंकवाद खत्म कैसे करेंगे इसको लेकर सपा बसपा ने कोई योजना आपके सामने रखी है? रखी है? कांग्रेस वालों ने रखी है? ये उनके चेले चपाटे किसी ने रखी है? ये तो ऐसे डरे हुए हैं कि आतंकवाद बोलेंगे तो उनकी वोट बैंक खिसक जाएगी, इतने डरे हुए हैं। इनको देश की चिंता नहीं है, अपने वोट बैंक की चिंता है। भाइयों जो अपने वोट बैंक के लिए मरते हैं वो देश को मरवाते हैं दोस्तों। और इसलिए मोदी दल के लिए नहीं, मोदी देश के लिए पैदा हुआ है। मोदी अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, आपके लिए पैदा हुआ है। साथियों अवसरवाद और जातिवाद के हर प्रयोग को इस बार फिर एक बार सबक सिखाना है दोस्तों, ताकि ऐसे दलों को एक संदेश जाए और वो भारत को मजबूत करने के लिए मजबूर हो जाए। आप सभी चौकीदारों पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपका एक एक वोट कमल के फूल के सामने पड़ना चाहिए। पड़ेगा? पड़ेगा। मैं आपको वादा करता हूं, आप जब कमल के फूल के निशान पे बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जमा होगा। भाइयों बहनों आपका वोट आजादी के 75 साल, आजादी के दीवानों के सपनों को पूरा करने वाला वोट है। आपका वोट देश के विकास के सपनों से जुड़ा हुआ है। आपका वोट देश की सुरक्षा की गारंटी है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों जब आप कमल के निशान पर बटन दबाएं तो मन में सोच के जाइए कि आप भी देश के एक सैनिक हैं, आप भी देश के विकास के एक यात्री हैं। ये दिमाग में लेकर के जाइए। भाइयों बहनों आप मुझे बताइए, हमारा देश और मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मजबूत होना चाहिए, और मजबूत होना चाहिए। सरकार भी मजबूत चाहिए, सरकार भी मजबूत चाहिए, प्रधानमंत्री भी मजबूत होना चाहिए, चौकीदार भी मजबूत होना चाहिए, 125 करोड़ देशवासी चौकीदार होने चाहिए। मेरे साथ एक संकल्प करोगे? संकल्प करोगे? दोनों मुट्ठी बंद करके बोलोगे? ऐसे बोलना नहीं है, दिल से करना आता है। करोगे? हर कोई करेगा, किसी का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। और पूरी ताकत से बोलना है, आपको बोलना है चौकीदार, क्या बोलना है? क्या बोलना है? गांव गांव है, गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने, घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में,
देश के अंदर सीमा पर भी डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक प्रोफेसर लेखक पत्रकार कलाकार भी किसान कामगार दुकानदार भी वकील व्यापारी छात्र छात्राएं पूरा हिंदुस्तान भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।